26 जनवरी को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर सीएमओ सुधाकर पांडे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय गोरखपुर में प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान जिला अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने नर्सिंग कॉलेज की प्रभारी और इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने वाले डॉक्टर एस के तिवारी का आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम के सफल आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम के कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी विभाग से 10 लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, ड्राइवर और सफाईकर्मी शामिल है। वहीं सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने झंडारोहण के पश्चात अपने कार्यालय के समक्ष अपने अधीनस्थ डॉक्टर और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा धर्म है मानव की सेवा करना, जो कि हमें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करनी चाहिए। कोरोना के दौरान हमने बड़ी जंग लड़ी है और विजय हासिल की है। वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है, जल्द ही अपने जिले को कोरोना मुक्त कर दिया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर सहनवाज, डॉक्टर आर डी रमन, डॉक्टर वी के सुमन और डॉक्टर एस के यादव सहित अन्य डॉक्टर और स्टाफ नर्स सहित अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, क्या है हमारा कर्तव्य ही संस्कार है। जो भी काम हमको दिया गया है, छोटा काम, कोई काम, से अपना काम करें, यही हमारा स्वतंत्रता, यही हमारा गणतंत्र दिवस है। हमें एक दिन सच्चा हमारा देश में होगा, जरूरी नहीं हम जाति नहीं जा करके रोजा के हम ही ऐसे कम टेम्परेचर में खड़े हैं, हम ही ऐसे नहीं है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हम सब लोग एक साथ मिलकर के इस हमारे जनपद के लिए, हमारे देश के लिए एकजुट होकर के काम करें। हम एक योजना है, हमें कहा गया करोना योजना कहा गया है। पिछला साल जो का कहा जा रहा था कि जीने का समय, सभी विभाग अपने अपने घरों में छुपे, कोई बाहर नहीं निकल रहा था, सिर्फ हमारा विभाग जो है फ्रंट लाइन में खड़ा होकर के सरकार को, और करोना जैसी महामारी से हम लोग देश को आजाद किए। अब वैक्सीनेशन का समय आ गया है, हम वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं और इस महामारी से देश को मुक्ति दिलाई। उपस्थित कर्मचारी और अधिकारीगण की तरफ से आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कार्य किया ये बताता है, क्या करना है ये बताता है। इस मंच के माध्यम से वहाँ के वासियों, हमारे दिल में क्या है, हॉस्पिटल समिति द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा, जो हॉस्पिटल के मैनेजर हैं उनको दिया जाएगा। आज इसी क्षण में मैंने कहा कि इसका बाकी कोई ऐसा नहीं है कि इसकी खरीदारी कहाँ से होगी, इसके लिए मैंने अपने पास से दिया है कि जो गिफ्ट कब दिया जा रहा है वो मैंने खरीदा है, अपने पास से दे रहा हूँ। और बाकी तो सरकारी कार्य सरकारी से चल रहा है। इस गणतंत्र दिवस पे यदि इस कार्य को करते रहे तो अमाउंट होगा वो हमसे ले लिया करें। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चिकित्सालय को माननीय बहुत ही समर्पित चिकित्सालय बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे स्कूल के में हमारा अस्पताल पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था महामारी से निपटने के लिए। एक यहाँ पे मॉडल लगाया गया है, हमारी नर्सेज, हमारे स्टाफ, ओ ऐसा देश मेरा।
हम लोगों ने 72वां गणतंत्र दिवस बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया तथा गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान बनाने वाली जो समिति थी उसके सभी सदस्यों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई तथा इसके अध्यक्ष और मुख्य कार्यकर्ता के रूप में मेहनत किया एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और बाबा भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, सबने याद किया तथा इस 2020 को हम लोगों ने एक अलग तरीके से इस वर्ष को देखा है, बहुत कुछ सिखाया है, बहुत दुख दिया है लेकिन बहुत कुछ समझाया भी है। अपनों के नज़दीक आना, प्रकृति के साथ जीना, मित व्ययी होना तथा अभी भी भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवनापन करना ये भी बताया है। जो चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों का मेन पेशा होता है मानव सेवा, इसको हमारे चिकित्सा विभाग के सभी चिकित्सक और सभी कर्मी किसी कोई भी हम इसमें एक नंबर पर नहीं रख सकते, सबने मिलकर मानव सेवा की है और जिस मरीज, जिस एम्बुलेंस, जिस घर में यहाँ पर डॉक्टर रहता था, जो काम करता था उसको घर में लोग नहीं घुसने देते थे, इन सब के बावजूद कोविड-19 के मरीजों को सभी ने सेवा की है। इससे अच्छी बात हमारे चिकित्सा जगत की कुछ नहीं हो सकती कि अपने जान की परवाह किए बिना मानव सेवा किया गया है। इस संबंध में एक प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई थी जिसमें कोविड-19 से जो मरीज उसे संक्रमित हैं उनको कैसे हम लोगों ने इलाज दिया है, वो पीपीई किट जो दूसरा आधा घंटा पहन के नहीं रह सकता, 6-6 घंटा 8-8 घंटा पहन के उस पीपीई किट पहन के लोगों ने काम किया है। इसी प्रकार कोरोना के समय में उत्कृष्ट काम करने वाले सभी विभागों से चिकित्सक, उपचारिका, LT, फार्मासिस्ट, सफाई कर्मी, सवार आदि सब में से एक एक आदमी को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार में एक मेडल, एक ऊनी साल और एक प्रशस्त पद दिया गया है।